बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैनवस विद डॉक्टर कामरान में खुश आमदेद। दिन चैनल के नाजरीन के साथ एक नया दिन और एक नया कैनवस। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पंजाब हेल्थ कमीशन केयर कमीशन से मुतल्लिक है और आज हमारी मेहमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक खालिद साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा का तवील तजर्बा तदरीस में रहा। बतौर प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने तवील अरसे तक अपनी बतौर प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर साहबा के हजारों शागिर्द हैं जो मुल्क और बैरून मुल्क अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गुजरनवाला मेडिकल कॉलेज की भी डॉक्टर साहबा बानी प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं और कॉलेज के मुल्हिका हस्पताल यानी DHQ हॉस्पिटल, जो गुजरनवाला का DHQ हॉस्पिटल है, उसको टीचिंग हॉस्पिटल यानी तदरीसी हॉस्पिटल बनाने में उनका एक कलीदी और अहम किरदार रहा है। डॉक्टर साहबा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बोर्ड ऑफ स्टडीज की इस हवाले से भी अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुकी हैं। डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेलकम इन माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहबा, आपका एक तवील तारुफ, लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से है और बतौर सरबरा, बतौर चेयरपर्सन आज हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके आने में, और मैं खुद भी चाह रही थी कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है, कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्योंकि इससे कई लोगों को शिकायत हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो डॉक्टर साहबान भी हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है, जैसे आपने खुद भी बताया कि ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कयाम कब वजूद में आया और ये कब लाया गया? एक्चुअली पंजाब हमारा सबसे बड़ा आबादी की लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। यहाँ पे जो हालात थे मेडिकल में के अस्पतालों के, वो थोड़े से मुश्किल हो रहे थे, कोई कानून कायदा नहीं था, तो इसलिए 2010 में एक एक्ट पास किया पंजाब असेंबली ने जुलाई में, फिर जो जिसको पंजाब हेल्थ केयर एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक्ट फिर गवर्नर साहब के पास गया, उन्होंने अगस्त में इसमें जुलाई में इसको साइन किए और 2 अगस्त को ये गजट में आ गया। इनफैक्ट ये जो हमारा जो हेल्थ केयर कमीशन है, ये इसने जो काम करना शुरू किया वो 2011 में था। 2011 में जी, और शुरू में चूंकि कमेटियां बननी थी, काम होना था, इसलिए एक्टिव वर्क जो शुरू हुआ वो 2012 में था। ठीक है, तो इसके लिए जो इसके कई वजूहत थी बनने की, और ये एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट अदारा है जो कि ना सिर्फ प्राइवेट अदारों को देख रहा है बल्कि सरकारी यानी कि सरकारी पब्लिक और जो प्राइवेट दोनों, निजी इदारे दोनों को देखता है। अच्छा, इसमें एक और मुझे बताइएगा कि जैसे आपसे ये एक सवाल भी है कि इसके अगराजो मकासद क्या थे। ये तो आपने बिल्कुल बताया कि जी एक कानून साजी के हवाले से हमने काम करना था और इस हवाले से एक इदारे की जरूरत महसूस गई, लेकिन इसके अगराजो मकासद अगर आप डिटेल में बताएं और क्या हैं, और इसका दायरे इख्तियार जो है वो तो समझ आता है, जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसका नाम है तो दायरे इख्तियार मुकम्मल पूरे सूबे पर फैला हुआ है। जी, इसके लिए एक्चुअली इसका मेन ये था, इसका गर्ज ये थी कि इसमें कोई हम कानून बनाए, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए हर दर्श कोई अदारों का, जिसमें हमारे अस्पताल आते हैं, डेंटल क्लिनिक आते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के क्लिनिक आते हैं, कॉस्मेटिक्स क्लिनिक आ रहे हैं, जिसमें मेटर्निटी होम है, और उसके कोई रूल्स होने चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके मुताबिक वो काम करें। और तो इस वजह से ये इदारा वजूद में है और वो फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपके हैं। हमने मिनिमम स्टैंडर्ड्स बने, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो बनाने में माहिर जो हमारे प्रोफेसर हजरात थे, माहिर जो थे वो भी, उन्होंने भी काम किया, हकीम थे उन्होंने भी काम किया, होम्योपैथिक वालों का भी इसमें रोल आया, सब ने मिल के हमारे बनाए हैं मिनिमम स्टैंडर्ड जो बन गए हैं, उसके तहत ये सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये इसके मुख्तलिफ शोबे हैं जी हेल्थ केयर कमीशन के, हेल्थ केयर कमीशन का एक शोबा वो है जो इन सारे इदारों की लाइसेंसिंग करता है, इनको रजिस्टर करता है। ठीक है, वो जो रजिस्टर करने एक शोबा वो है जो कि कंप्लेन को डील करता है। ठीक है, जो कि हमारे इन शिकायत हैं, मरीजों की शिकायत हैं, उनके लवाकीन की शिकायत हैं, इवन डॉक्टर्स की शिकायत हैं, इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की शिकायत हैं। ठीक है, खाली मरीजों की शिकायत नहीं होती, इनमें वो शिकायत भी हेल्थ केयर कमीशन डील करता है जो हमारे डॉक्टर जिनको हमारे जैसे वायलेंस क्रिएट कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गलत जुबान इस्तेमाल की जाती है, तो डॉक्टर हजरात भी अपनी शिकायत उस उधर लेके आते हैं। ठीक है, और डॉक्टर हजरात के लिए एक वो ये भी बड़ी बात थी, पहले जो भी शिकायत आती थी तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते थे,
جو بھی مقدمہ جائے گا, جو بھی شکایت ڈاکٹر کی, اس ڈاکٹر کی جو کوالیفائڈ ہے. میں عطائی کی بات نہیں کر رہی, میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارے ٹھیک والے ڈاکٹر ہیں, جو کہ پی ایم این ڈی سی کے ساتھ جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں, جو کوالیفائڈ ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کی کوئی شکایت ہوگی تو ہیلتھ کیئر کمیشن اس کو بھی سنے گا, اس کا بھی ازالہ کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح حکمت کے حوالے سے, اسی طرح ڈینٹل جو سرجن ہیں ہمارے ان کے حوالے سے, اس طرح ہمارے میٹرنٹی ہوم بنے ہوئے ہیں, ہومیوپیتھک بنے ہوئے ہیں. ان سب کو ایک قانون کے دائرہ کے تحت لایا گیا ہے اور ان کے سب کے ایم ایس ڈیز بن گئے ہیں. اور ان فیوچر جو ہم بنانے جا رہے ہیں, کامران صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اسپیشلائز جو سروسز ہیں جس میں ہم آپ کے آ جاتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ یا کاسمیٹک سرجری آ جاتی ہے, اس کے لیے ہم ایم ایس ڈیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے شعبہ جات مختلف ہیں, تو یہ پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کا آرگینوگرام جسے ہم کہتے ہیں, یہ جو ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے, جو آپ کے ادارے کا انتظامی ڈھانچہ ہے, وہ کس طرح. یہ تو آج آپ جس طرح موجود ہیں کہ آپ جو ہیں اس کی سربراہ ہیں, چیئر پرسن ہیں, تو آپ کے نیچے پھر یہ کس طرح جو ہے اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جی ایک ہمارا بورڈ آف کمشنرز بنا ہوا ہے جس میں نو ممبر ہیں بورڈ آف کمشنرز میں. بورڈ آف کمشنرز میں ہمارے دو ڈاکٹر ہیں, اس میں دو ہمارے ایک جج صاحب ہیں جو ریٹائرڈ جج ہیں, بڑا لمبا ایکسپیرئنس ہے ان کا. دو ہمارے بیوروکریٹ ہیں ماشاء اللہ, ہائی لیول کے چیف سیکرٹریز ریٹائرڈ ہیں, وہ فلنتھراپسٹ ہیں. ہماری بہت ہی بڑی نام میڈم میرا فیلبوس ہیں, اس میں ڈاکٹر بھٹا صاحب تھے, چودھری اشرف صاحب ہیں, بھنڈاری صاحب ہیں جو ہمارے جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری صاحب, اور جو ہمارا جو میڈیا ہے اس میں عثمان یوسف صاحب وہ ہیں, اور پھر ہماری فلنتھراپسٹ ہیں فاطمہ صاحبہ, وہ اس کے ساتھ جن کی بڑی خدمات ہیں وہ ہماری کمشنر ہیں. ان میں سے پھر ایک بندہ ایک الیکٹ ہوتا ہے چیئر پرسن, تو وہ الحمدللہ ان لوگوں کی مہربانی سے بنی. ہمارے ساتھ پھر ہمارا سی ای او آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سی ای او چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس پوسٹ ایڈورٹائز کیا. پہلے ڈاکٹر اجمل صاحب تھے, پہلے ڈاکٹر اجمل خان صاحب تھے, وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تو پھر ہم نے ایڈورٹائز کر دی ہوئی ہیں, تو آلموسٹ یہ بالکل آخری مرحلے میں کام ہے, شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہوئی ہے, تو ود ان 2-3 ویکس ہم اس کے لیے بھی اناؤنس کر دیں گے. ایٹ پریزنٹ بڑے کمپیٹنٹ ہیں ہمارے جو ایکٹنگ سی ای او ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. چار ڈائریکٹر ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. اور سی ای او کے نیچے پھر ڈائریکٹرز ہیں. جی ہاں. اور ان کے شعبہ جات ڈائریکٹرز کے علیحدہ 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 ہیں. جیسے کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا بھی, ایک کمپلینٹ سیل میں ہیں, وہ ہمارے پروفیسر ریاض تسلیم صاحب ہیں, وہ کمپلینٹ سنتے ہیں. ان کا ایک پورا شعبہ ہے, ایڈیشنل ڈائریکٹر ان کے ساتھ ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر, ایٹ لیسٹ مور دین 280 ہیں لوگ ہیں جو کہ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس خالی لاہور کے اندر ہی نہیں, ہمارے 8 آفسز ہیں جو کہ ریجنل آفسز ہیں. ٹھیک ہے. اس پنڈی میں, اسلام آباد, ادھر ملتان میں, اس طرح کے سائیوال ہے, چار جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں ڈویژنل ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو ہمارا مین مقصد ہے, جو نیا جو بورڈ جو کر رہا ہے, ان جو ڈویژنل ہیڈ ہمارے آفسز بنے ہوئے ہیں ان کو زیادہ ایکٹیویٹ کیا جائے, زیادہ موٹیویٹ کیا جائے, امپاورڈ کیا جائے, زیادہ امپاورڈ کر رہے ہیں ہم. ہم نے دیا ان کو تاکہ وہ ان کو ہم یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے. اس کے کمپلینٹ سیل بڑا امپورٹنٹ ہے. کمپلینٹ سیل آپ نے بتایا چار ڈائریکٹرز ہیں, ایک ڈائریکٹر کمپلینٹس ہیں, ایک کمپلینٹ, ایک ڈائریکٹر لائسنسنگ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے مختلف جو سارے ہیلتھ کیئر جو ہیں اسٹیبلشمنٹس جو ہیں, جو کہ ہسپتال ہیں, کلینکس ہیں, اور سب کو یہ رجسٹر کرتا ہے. رجسٹر کا کام اور لائسنسنگ. ایک سب سے بڑا جو مین کام تھا ہیلتھ کیئر کمیشن کا آنا, وہ تھا کوئکری کے خلاف کام. ایک کوئکری کے خلاف ایک جہاد. ٹھیک ہے. اور کوئکس کا جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہاٹ اسپاٹس بنے ہوئے ہیں ان کے لیے, جو کہ جو ہمارے عوام کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہیں, ان کی صحت کے لیے ان کو معذور کر رہے ہیں, ان کو غلط دوائیاں دے رہے ہیں, غلط علاج کر رہے ہیں, اور اس کا خلاف جو جہاد ہے وہ بھی ایک مین رول ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر کوئکری کا ایک بہت بڑا کام ہے, جس میں ہم نے کم از کم 21,000 ہیں جن کو سیل کو ہم نے سیل کیا ہے, اور 11,000 سے زیادہ ہیں جو کہ ہم نے جن کو ہم نے بند کیا ہے. جو سیل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے,
फिर अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि हम उनको सील कर सकते हैं। उसने बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस बात को लिया। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे हमें बड़ी सपोर्ट मिली तो हमने सील करना शुरू कर दिया। सील करना या बंद करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, ठीक। तो उसके लिए पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वो पुलिस हमारे साथ जाती है, टीम के साथ होती है, फिर हम जाके आगे कार्रवाई करते हैं, ठीक है। उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, फिर उनको सील किया जाता है। तो अगर कोई जो जैसे फिर जो शिकायत आती हैं वो फिर ये होता है, वो या तो अपना चेंज कर लेते हैं, अपना उधर कोई चोरी कर लेते हैं, या फिर वो करते हैं अगर एक जगह सील करके हमने रखा है वो दूसरी जगह खोल लेते हैं, ठीक है। वो दूसरी जगह, इसलिए कॉन्स्टेंट हमें करना पड़ता है कि मॉनिटर करना पड़ता है कि वो दोबारा कहीं और ना खोल लें, या कहीं अगर सामने से खोला है तो पीछे से, बंद किया तो पीछे से खोल लेंगे। तो बड़ा एक बड़े मजे की बात है, एक को बंद किया उसने दूसरी जगह खोल लिया, दूसरी जगह बंद किया तो उसने अपना स्कूटर पकड़ा, साइकिल के ऊपर उसने अपनी वो पकड़ा और वो फोनों के ऊपर वो फिर कर रहा था सारे काम, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इन अगर अवाम हमारे साथ देंगे और तो इंशाल्लाह ताला। तो इसकी बेहकनी में आप लोगों का एक तो ये बंद करने का आता है, तो इसका तरीका क्या है कि जब आप सील करते हैं इससे पहले नोटिस जारी करते हैं? नहीं, देखिए जी, जब हमारी टीम को पता चल जाता है कि ये गलत काम यहाँ पे हो रहा है तो फिर वो कोई ऐसा मसला नहीं होता, फिर हमें इतनी पावर है कि हम सील कर दें, ठीक है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था MSDS, तो ये MSDS से क्या मुराद है? ये मिनिमम स्टैंडर्ड डिलीवरी, कम से कम जो होना चाहिए। ये जो MSDS है ये एकदम नहीं बन गया था, इसके पीछे बहुत सारे हमारे स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, लेकिन अभी जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं उनको इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन हैं, ठीक है। कुछ उनको जी मैं यही पूछा था, ये मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड जो हैं ये क्या हैं, और ये जो है इनका इनके मुतालिक आगाही भी क्या जी उसमें मौजूद है? कि जैसे कि हम बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है जी, हमने इसको इसमें वेबसाइट में भी दिया हुआ है, हम इनको सोशल मीडिया में भी लगाते हैं, प्रिंट मीडिया में भी आता है ये व्हाट इज MSDS। इसमें कोई भी अस्पताल है डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी का है, अस्पतालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैटेगरी वन है जिसके 50 से ज़्यादा बेड है, कैटेगरी टू है जिसके बेड जो है वो 50 से कम है, और कैटेगरी थ्री में आते हैं जो जिनके पास बेड नहीं होते, वो सारे जो हमारे क्लिनिक्स हैं या होम्योपैथी के क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है, जो बेड बड़ा होता है उनके पास एग्जामिनेशन करने के लिए वो बेड नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन होता है, बेड वो होगा जिसमें वो ओवर दाखिला होगा, दाखिला होगा वो बेड है। इस तरीके से हमने हर एक के लिए स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, तो उसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स रात जो हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको अगर रिजर्वेशन अगर आती हैं तो हमने एक हमारी टैग कमेटी बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं। इस हवाले से शिकायत होंगी जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकती हैं। अभी हमने PMA को या दूसरी टीम को बुलाया हुआ था कि भी आप हमें और दें सजेशन दें ताकि इसको हम किए, ऐसा कोई जिस्मानी नहीं है, इसलिए हमने कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। और दूसरी बात ये है कि हेल्थ की जो केयर कमीशन जो है ओपन है, ये सारे जो डॉक्टर हजरात हैं या कीमे हैं या जूनियर डॉक्टर्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं या PMA सब की बात सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम तैयार हैं, हम उनके जितने भी सजेशंस हैं हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपने अभी बताया कि इसमें अपील का भी हक है और शिकायत का भी आपने जिक्र किया कि उसका किस तरह अजाला किया जाता है, सदेबाब किस तरह किया जाता है। अब एक और बात जो है कि अगर जानबूझकर या कसदन जो है हेल्थ केयर कमीशन के इल्म में आए कि कसदन जो है शिकायत जो है गलत शिकायत की जा रही है, तो उस हवाले से आप क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं? एक्चुअली जो ही मैंने आपसे अर्ज़ किया है, ये उसके लिए जो डॉक्टर को या हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में जैसे अर्ज़ किया अस्पताल हैं या मतलब हैं या एलोपैथिक क्लिनिक हैं जो सारे उसके अंदर आ रहे हैं, उनको पूरा हक है। तो इसलिए ये दोनों तरफ है, ये हेल्थ केयर कमीशन एक मरीजों के लिए भी है और रेगुलेटरी बॉडी। डॉक्टर हमारे बहुत काम करते हैं, यंग डॉक्टर्स हों या सीनियर डॉक्टर्स हों, अपनी अपनी जगह बड़े मेहनती हैं, और आपको तो कामरान साहब पता ही है दुनिया में सब नाम है हमारे डॉक्टर्स का, बिल्कुल इसी जगह के पढ़े लोग हैं इन लोगों को, ये इनकी जो ड्यूटियाँ बड़ी सख्त ड्यूटियाँ देते हैं,
तो बस ये सारी चीज़ें, कुछ बातें होंगी, अगर आप पेरीफेरी में चले जाएँ तो मुश्किल हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल हैं जो कि हुकूमत नहीं कर सकती। कुछ शॉर्टेज हैं हमारे पास, जैसे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि हमें नर्सिस की बड़ी शॉर्टेज है, और MSDS में हम कह रहे हैं उनकी नर्सिंग स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को मेरी एक ये रिकमेंडेशन होगी कि हम इस बात पर भी बड़ी तवज्जो दें कि नर्सिस बढ़ें। एक आप पहले ही PMDC का एक कानून है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं 10 साल के अंदर वो अपना नर्सिंग कॉलेज भी अप्रूव करवाएंगे, क्योंकि तो हमारे पास जो नर्सेस का डॉक्टर्स का तनासुब भी आबादी के लिहाज से डिसप्रोपोर्शनेट है, गैर मुतनासिब है। और अगर हम देखें तो नर्सेस का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है डॉक्टर पॉपुलेशन के साथ आबादी के लिहाज से, वो भी गैर मुतनासिब है। और जो हमारी नर्सेस बनती हैं उनमें से भी अच्छी तनख्वाहों के लिए अच्छे ज़ाहिर काम बोले वो फिर दूसरे मुल्कों में चली जाती हैं, तो हमें इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देनी होगी, इसके बारे में ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी कि पैरामेडिकल स्टाफ हमारा और हमारी नर्सेज जो हैं उनकी तादाद बढ़े ताकि डॉक्टर्स को एक सपोर्ट हो, सपोर्ट स्टाफ है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स का काम जो जो कुछ बेचारे कर रहे हैं ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट स्टाफ बड़ा ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए एक बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन मैं आपसे भी कहूँगी कि आप इसके बारे में ज़रूर करें कि नर्सेज का जो जो है बड़ी ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी क्वालिटी। और मैं ये भी बता दूं हमारे पाकिस्तान के जो जो मैंने जो अस्पतालों में नर्सें देखी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लें कार्डिक सर्जरी का शोबा है, कार्डियोलॉजी का शोबा है, इससे ज्यादा लाइक कॉम्पिटेंट नर्सेस कहीं नहीं होगी, इसमें शक नहीं, बिल्कुल कोई नहीं होगी। और जो गलत बात कंप्लेंट जो ज्यादातर आ रही है उसके बारे में आपको अर्ज कर दूँ, मेजॉरिटी जो कंप्लेंट्स हैं वो गायनी के हवाले से हैं, इंतहाई गलत सलूक हो रहा है हमारी बेचारी खवातीन के साथ। कंप्लेन में आप ये सोच लें कि 80% से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो इसी सिलसिले में हैं, गैर रजिस्टर्ड दाइयाँ, उनके साथ सलूक ठीक है, गैर मुस्तने जो क्वैकों ने ऑपरेशन किए हुए तो उनके एनेस्थीसिया नहीं उनके वहाँ पर है, तो ये इसके लिए फिर हमने ये एक सबसे ज्यादा ये मरीज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। नाज़रीन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतिया मुबारक साहिबा, चेयरपर्सन है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, और उनसे वहीं हम इस वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सरबरा चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक साहिबा से। अच्छा ये बताइएगा कि हस्पतालों का जो इंस्पेक्शन है इसका मुजवजा तरीक़ाकार क्या होता है और इसके अहम नुकात क्या हैं, क्योंकि आप जैसे PMDC जो है वो डॉक्टर्स की एक लाइसेंसिंग बॉडी भी है, तो इस तरह जो हॉस्पिटल्स की जो रजिस्ट्रेशन है इंस्पेक्शन है उस हवाले से पंजाब में आप ये करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बकायदा मिलता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का क्या तरीका है और इंस्पेक्शन का क्या तरीका है और इसके क्या अहम नुकात हैं? जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का तलक है ये हमारी वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाता है, ठीक है, वो प्रोविजनली उनके अगर उन्होंने अपना एक फॉर्म भरना है तो रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि उनके उनको इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है, जहाँ पे भी उनको कमियां हैं उनको बाकायदा उनको वर्कशॉप करवाई जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा हमने उनकी वर्कशॉप से ज़्यादा करा चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो हम ट्रेन कर चुके हैं, तो MSDS के हवाले से ठीक है कि हमारी मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, जिनको हम पूरा करेंगे तो हम रजिस्टर होंगे, ठीक है, उसके बाद जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी रहती है वो वर्क देख लेते हैं तो हमारी टीम जाके मुआयना करती है, अगर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आ जाते हैं तो फिर उनको पक्का लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, ठीक है। इस वक्त हम इस लाइसेंस की कोई कीमत भी है? जब पहले जब रजिस्ट्रेशन की कोई कीमत नहीं है, लाइसेंस की भी मिनिमम से 5,000 ऐसा कोई ज्यादा कीमत नहीं है जो देनी पड़ती है इनको, तो उसके बाद ये है कि जब ये लाइसेंस आप एक 51,000 से ज़्यादा हम रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, जो रजिस्टर हो चुके हैं वह 5 साल के रजिस्ट्रेशन है उनकी, और ये अपने एंट्रेंस में लगाते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने लगाना है, क्योंकि कानूनन अब हर अदारे के लिए किसी लेवल का भी अदारा है, चाहे मैटरनिटी होम है, चाहे मुंशियात का क्लिनिक है, चाहे अस्पताल है, चाहे सरकारी है या निजी है, उन्हें रजिस्टर कराना कानूनन लाजमी हो गया, ठीक है, तो जब उनका लगा होता है हेल्थ केयर कमीशन का फॉर्म के जी रजिस्ट्रेशन का,
तो फिर उसमें यह है कि ये मरीज भी कभी एक एतमाद बढ़ता है। ये मैं पूछना चाह रहा था, इसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये है कामराम साहब कि वो मरीज भी जब देखते हैं कि हम उस जगह आए हैं जो कि ऑलरेडी जिसके जो कवानीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो अस्पतालों का भी फायदा ये होता है कि अगर कोई केस उनके खिलाफ आता है तो उसके उस लेवल की उनके खिलाफ पेनल्टी नहीं पड़ती जिस लेवल की अगर उन्होंने रजिस्टर ना कराया होगा पड़ेगी बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि वो उनकी लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है कि भाई हम लोगों ने ये कि हेल्थ केयर कमीशन चीज़ क्या है। मरीज बेचारे जो हैं वो उनको एक बहुत बड़ा एक मिल गई है जगह जहाँ पे वो अपने अपनी शिकायत कर सकते हैं, जहाँ पे अपने उनके कोई इजाला हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। हेल्थ के जो जहाँ पे गलती जिसकी हो रही होती है उसको अकॉर्डिंगली उनको पेनल्टी होती है, उनको सजा मिलती है, उनको जुर्माने भी होते हैं। जुर्माने के खिलाफ मैंने आपको जैसे पहले बताया वो अपील कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंप्लेन को बड़ा थॉरली चेक किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये ज़रूर बताइएगा कि जो आपने आप इन शिकायत का यकीनी तौर पे ऑडिट भी करते होंगे, एक आपका इंटरनल डिपार्टमेंटल या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक इस तरह का प्रोसेस होगा फीडबैक और एवेल्यूएशन का, तो ये मुझे बताइएगा कि जब ये आप शिकायत का आपने जब जायज़ा लिया तो ज़्यादा शिकायत जो मरीज़ों की जायज़ शिकायत हैं किस हवाले से आ रही हैं? अभी आपसे क्या था, मैक्सिमम जो शिकायत हैं वो हमारी गायनी हाउस की है। गलत लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, बहरा सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, अतायत क्योंकि गायनी में बहुत ज्यादा गायनी ऑप्स में इस शोबे में बहुत ज्यादा अतायत है, अतायत बहुत ज्यादा है, अतायत गलत इंस्ट्रूमेंट, गलत दवाइयाँ, छोटे छोटे जगहों पे एक एक कमरे में उन्होंने अपने अस्पताल बनाए हुए हैं, मटर्निटी होम बना छोड़े हैं। और सबसे ज्यादा जो शिकायत हैं जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो इन्हीं की आ रही है जो गायनी और ऑब्स्टेट्रिक की। और उसी हवाले से अच्छा, बड़ी मददगारी की बात है कि दो दिन किसी के साथ उसने काम कर लिया वो भी डॉक्टर बन गया, जो हमारे जो मेडिकल स्टोर्स में भी जो काम करते हैं वो भी डॉक्टर बन गए हैं। तो ये सब लोग मिलके एक जो इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसको तोड़ने में हेल्थ केयर कमीशन बहुत काम, दोबारा इंस्पेक्शन, लोगों की आगाही, लोगों को बताना कि भाई आप इनके खिलाफ आए, हमारे साथ मिलें, हमें सपोर्ट करें इन क्वैकों के खिलाफ, ठीक है, ताकि ये इनका एक धंधा बंद हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, कि जैसे आपने बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन होती है और वो बिला मुआवजा है, उसके बाद लाइसेंस आप इजरा करते हैं, फिर उसके बाद ये बताइए बाद अज लाइसेंस इजरा जो है ये पांच साल के लिए आप करते हैं, लेकिन और उसके बाद आप मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कामराम साहब अगर कोई गलती होगी स्पेशल एक इंस्पेक्शन होता है, एक तो जनरल इंस्पेक्शन है जो हम करते हैं वो अस्पतालों का, चाहे वो उसमें बड़े बड़े अस्पताल हों कैटेगरी 1, 2, 3 जो भी हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों। अभी मैं रिसेंटली थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसी महीने में 15 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक हेल्थ केयर कमीशन ने जितने हमारे सरकारी अस्पताल थे लाहौर के उनकी सैनिटेशन और उनकी क्लैनलीनेस को चेक किया। ठीक है, अभी एक टीम हमारी गई है जो कि गवर्नमेंट ने उनको कहा है, जो हमारी उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि हम पिंडी में भेजें। पिंडी में आपको पता है डेंगू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इस हवाले से भी बात करते हैं कि डेंगू के हवाले से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या ऐसी जब वबा फैल जाए तो उस हवाले से भी इसका कोई रोल आता है, कोई किरदार आता है? एक्चुअली मैं आपको मददगारी की बात, पहला जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था हेल्थ केयर कमीशन के साथ एज ए प्रिंसिपल एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो डेंगू के हवाले से हुआ था। ठीक है, सर्विसेज अस्पताल में अल्लाह जनरल फिरदौस में जाकर थे फैसल मसूद साहब, आमीन, उन्होंने वो और साथ हमारे CEO से उन्होंने मैं डेंगू के बारे में सारे प्रिंसिपल्स को इंफॉर्मेशन दी, आगाही की हमारी कि हम कैसे प्रिवेंट करें गुजरावाला में या मुख्तलिफ अपने मेरे इलाकों में कैसे करें, लोगों को कैसे बताएं, किस जगह पोस्टर लगाएं कि कैसे उसको बचाया जा सकता है डेंगू को, वो उसके बारे में पहले इंटरेक्शन यही हुआ था। अभी हमारी टीमें की टीम गई हुई है जो इन छुट्टियों में भी जो भी ये छुट्टियाँ हैं मुहर्रम की 4 दिन तक ये टीम हमारी वहीं पर रहेगी। 57 प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको किया जाएगा डेंगू के हवाले से किया जाएगा, लेकिन अगर उनका काम बढ़ गया तो हम उनको और बढ़ा देंगे हमारी टीम। उसके बाद जब वापस टीम आएगी तो जो जो लाहौर के जो अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं उनको डेंगू के हवाले से फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे। और जो आपने जब इंस्पेक्शन की बात की तो 5 लाइसेंस तो हम दे देते हैं, लेकिन अगर कोई शिकायत आ जाए, इन्वेस्टिगेशन हो,
अभी ये रिसेंटली एक बड़ी शिकायत थी किसी अस्पताल की बारे में लाहौर के, किसी आपने भी सुना होगा, मीडिया में भी थी, तो उसको हमने वार्निंग दे दी है फॉर द टाइम बीइंग कि लाइसेंस उनका कंट्रोल में ले आए, उनकी बीन दोबारा उनका इंस्पेक्शन करेंगे और फिर उनको लाइसेंस मिलेगा। ये नहीं है कि 5 साल अब वो लाइसेंस ले लिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 साल के बाद दोबारा उन्होंने सारी अपने एग्जामिन कराने, वो सारा फिर काम चलेगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है इसका दायरा इख्तियार, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि पूरे पंजाब पर मुहित है और इसमें सरकारी निजी की कोई तख्सीस नहीं है, दोनों ही जो है इसको आप मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये जी इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप क्या मुराद लेते हैं? रजिस्टर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में हमारे अस्पताल आ रहे हैं, हमारे होम्योपैथी के क्लिनिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके भी एक होम्योपैथी की एक वो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उनके इसलिए तिब के वाले से हैं, इसी नर्सिंग काउंसिल भी हमारे साथ है। इस जो ये खाली MBBS या BDS डॉक्टर का तलक नहीं है, ठीक है, ये जितने भी हमारे इलाज के तरीके हैं, ठीक है, इसमें वो सब रजिस्टर्ड हैं, सब रजिस्टर्ड है इनके, उनका अपना अपना दायरा इख्तियार है, ठीक है। अब अगर आप होम्योपैथिक अगर आप देखेंगे उनके जो MSDS हैं वो उनके मुताबिक बने हुए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर होम्योपैथिक का डॉक्टर है वो दवाइयाँ दे रहे हैं एलोपैथिक की, ठीक है, टीके लगा रहे हैं हमारे, वो नहीं। आजकल एक और मैं टीकों से मुझे एकदम बात याद आ गई, एक रिसेंटली जो ये हमारी उन्होंने जो किए हैं सेमिनार्स किए हैं, वन एक एक सिरिंज एक दफ़ा यूज़ हो, ठीक है, आपको पता है ये गवर्नमेंट ने ये किया है तो इसके लिए हेल्थ केयर कमीशन ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है, कि कौन सी सिरिंज इस्तेमाल करनी है, एक ही करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो हेल्थ केयर कमीशन ने अभी जो मेरा ख्याल है जून में मुझे DG नैब लाहौर ने कॉल किया था, टेलीफोन किया कि आप अपने CEO को भेजें, हमें बताएं आके कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है, तो वो बड़ी फ्रूटफुल टॉक थी हमारे CEO ने, हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, हेल्थ वेस्ट मैनेजमेंट में के बाद जो हेल्थ केयर की वेस्ट मैनेजमेंट है जो अस्पताल की जो उसको कैसे करें, क्योंकि उनको शिकायत यही थी सिरिंजेस से और वो जो हमारे ड्रिपों से वो लोग दोबारा रिसाइकिलिंग हो रही है, उनके बच्चों के फीडर भर रहे हैं, बच्चों के लिए निपल चूसियां भर रही हैं, उसके बारे में उनको आया था, क्योंकि रीसाइकल हो रहा है। तो उसके फिर हम हेल्थ केयर कमीशन ने जाके उनको बताया, फिर उनको रूल्स बताए, उनको रेगुलेशन बताई, सबको सेंसिटाइज किया कि कैसे हम इसको, और उसके ऊपर हमारे उस वक्त सिटी हेल्थ साहब भी उसमें मौजूद थे, तो वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जो उन्होंने किया, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे सूबों में भी हेल्थ केयर कमीशन काम कर रहे हैं और आप लोग, आप जो सारे हेल्थ केयर कमीशन अगर काम कर रहे हैं या जो इक्विवेलेंट बॉडीज वहां पे काम कर रही है, तो आपका तावुन का या आपस में मुश्तरका कोई फोरम है या किस तरह आप एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं? एक्चुअली हमारा भी रिसेंटली KPKA के साथ हुआ, जो उनका हेल्थ केयर कमीशन है, सिंध में भी बना हुआ है हेल्थ केयर कमीशन, लेकिन थोड़ी सी वो हमारे से गाइडेंस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ये उन सब तो आगे चला गया, जैसे हमने अपने रूल्स रेगुलेशंस जो काफ़ी सारे बना लिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमारा तावन उनके लिए हर वक्त है। इसी तरीके से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इंटरनेशनली जो अदारा बना हुआ है मेडिकल को कंट्रोल करने का, उसका भी एक मेंबर बन गया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इतना छोटा इतनी थोड़ी देर में कम मुद्दत में 51,000 आपने रजिस्टर कर दिए, 19,000 पाइपलाइन में आ गए, 21,000 से ज्यादा सील कर दिए, तो ये मेरा ख्याल है कि एक जिसमें मरीजों का भी भला हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी हेल्थ केयर जो अब सारे अलर्ट हैं कि हमने कोई गलत बात नहीं, कोई रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करना है, ये बड़ा जरूरी हो गया था। अस्पतालों को भी मादर पदर आजाद थे, प्राइवेट अस्पताल ये खाली बड़े बड़े अस्पताल में छोटे क्लिनिक वगैरह ज्यादा थे, तो वो उनके लिए अगर कोई कानून बन गया है, कोई रेगुलेशन बन गए हैं। अच्छा, इसमें ये जरूर बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि दूसरे सूबों में जो हेल्थ केयर कमीशन हैं या जो इक्विवेलेंट बॉडीज हैं उनके साथ आपका तावुन चल रहा है, ये बताइए कि दूसरे कई ऐसे इदारे हैं जिनका दायरा इख्तियार जो है इससे इसके करीब करीब है या उनके साथ तावुन जो है ज़रूरी है या मुश्तरका लायमल होना ज़रूरी है, जैसे PMDC हमारा एक इदारा है, तो उस हवाले से इस हवाले से भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहरहाल जो रेगुलेटरी बॉडी, मैं इस वक्त MBBS और BDS डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, तो उसमें फिर आपका किस तरह उनके साथ तावुन या मुश्तरका लायमल किस तरह होता है? एक्चुअली जो हमारी टैक बनी हुई है, टेक्निकल एडवाइजरी काउंसिल, एक वो भी एक होती है, वो उसमें एक मेंबर उनका होता है PMDC का। अच्छा,
تو اس وقت جو نام آیا ہوا تھا پریزیڈنٹ جو پی ایم ڈی سی کے تھے ایکس پریزیڈنٹ تھے پروفیسر طارق بھٹا صاحب وہ اس کے ممبر تھے. اسی طریقے سے یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا بھی ممبر اس میں ہے, اس میں گوندر صاحب کا نام ہے پروفیسر خالد مسعود, خالد مسعود گوندر صاحب جو اس میں ہیں. اور اس کے علاوہ پی ایم اے کی طرف سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ان کی طرف سے بھی آیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہماری فیملی کون ہے, یہ جو ہماری جنرل پریکٹیشنر ہیں جو کہ بیک بون ہے اگر دیکھا جائے جی, تو جو جنرل پریکٹیشنر کا بہت بڑا رول ہے جی, تو ان کو اور وہ صحت میں انتہائی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر ان کو بڑے پرائمری ہیلتھ کیئر میں ان کا بہت بڑا رول ہے جی. ان کو بڑی سچی بات ہے, ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے بڑی شکایات تھیں کہ جی, لیکن بہرحال جی اس حوالے سے جو ان کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس حوالے سے ایک اور نشست بھی کریں. صاحب ہم نے وہ ہمارے ملے آ کے, بڑی سی بات ہوئی, ہم نے ان کے ساتھ کی ہے. پی ایم اے کے ساتھ بھی جس میں طارق میاں صاحب بھی تشریف بھی سارے لوگ آئے تھے, تو ان کے ساتھ وہ اب یہ چلتی رہیں گی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن, اور ہم ان کے ساتھ ملتے رہیں گے. اور جو جہاں تک پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل, بہرحال وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے, بہت امپورٹنٹ جی, ہماری مین جو رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ ہمارا فیملی فزیشن کر رہے ہیں جی, ایک بڑا رول ان کا, بڑا رول ان کا. ان کو ان کی ورک شاپس کرائی گئیں, ان کو ٹی اے ڈی اے بھی دیے گئے. اچھا, ورک شاپ جب کروائی گئیں, کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپ جو کروائی گئی ہیں, جس میں ان کو بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو لرن ایم ایس ڈی ایس کیا ہوتے ہیں, ان میں سارے لوگ تشریف لا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ فردر اب جو ہم کر رہے ہیں, پیچھے تھوڑا سا گیپ ایک آ گیا تھا, اب نیا کمیشن جب آیا ہے تو ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ ان پورا جو بورڈ بنا ہے ان سے ہم لیں, ان سے مشورے کریں, یہ ہمیں اپنے دیں, ایڈوائسز کریں کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر ایک آگے کا راستہ کھلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دوسروں کو تو مانیٹر کر رہے ہیں, دوسروں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے رہے ہیں, اور اس حوالے سے رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں, لائسنس کا اجرا بھی کر رہے ہیں, آپ کی جو ادارے کی اپنی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا جائزہ کارکردگی کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے جہاں تک ہے کہ یہ ایک بڑا سسٹم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارا جیسے اے سی آرز ہوتی ہیں جی, یہ ہماری جیسے ایڈورٹ کانفیڈینشیل رپورٹس وغیرہ جیسے ہے, اس طریقے سے ان کا ہمارا جو عملہ ہے سارا, جو عملہ ہمارا کام کرنا ہے, کام کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے, ٹیم ورک کی طرح کام کرنا ہے. جہاں تک یہ جی ہم اپنی یہ کارکردگی کے حوالے سے بات ہے, اپنی جائزہ کارکردگی کا آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو منتھلی رپورٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تین ماہ کے بعد ڈاکیومینٹری ہوتی ہے, میں آپ کو دکھا سکتی ہوں, یہ ڈاکیومینٹری رپورٹ ہے کہ ابھی تک کتنے لوگ ہم نے رجسٹر کیے, کتنے شکایتیں کا اضالہ کیا, کتنے کویکس پکڑے گئے, کتنے کویک بند ہوئے. اس کے علاوہ ہم تین ماہ کی ایک رپورٹ آتی ہے, پھر ایک اینوئل رپورٹ ہماری آتی ہے. ایک سہ ماہی ہے, اور ایک سہ ماہی ہے, اور ایک پھر ایک سالانہ ہے, ایک اینوئل. اور اس میں آپ جائزہ کارکردگی میں کون سے انڈیکیٹرز, اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے کیسے ہم نے ہیلپ, کتنے سیمینارز کرائے, ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو آگاہی کرائی, ان کو کیسے سمجھایا عام پبلک کو, یا ان کے جو عملہ ہے ان کو کیا سکھایا ہم نے, کیسے اپنے ہم نے کام کرنا ہے, کیسے کمپلین کرنی ہے, کیسے رجسٹریشن کرانی ہے, اور کیسے آپ نے ان کے ساتھ نپٹنا ہے جو ہمارے عطائیت کا جو ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات میں تھوڑی سی آپ کو یہ عرض کر دوں, اس وقت جو لیٹسٹ ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں ہم نے یہ کیا, جو ہمارے پیریفری کے جو آٹھ بنے ہوئے آفسز, ان میں آٹھ نو نو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, آٹھ نو نو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی شکایت آپ کو اس علاقے میں آئے, اگر آپ کو ڈیرا گاندھی خان کی شکایت ہے تو ڈیرا گاندھی خان میں نپٹ لیں وہ, تاکہ ریجنل اور جو قریب ترین جو عوامی, ہم ڈی سینٹرلائز کریں جی اپنے اختیارات کو, ہم ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں جی. تو ہم نے, اور اس کے لیے ہم نے دو ماڈل ابھی ہم نے جو کیا ہے کہ دو ہمارے افسد ہیں ان کے ایز اے ماڈل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ایک ملتان کا, ٹھیک ہے, اور ایک پنڈی کا, ٹھیک ہے, وہ دو ہم کر رہے ہیں تاکہ پھر وہ اس کے بعد یہی ریپلیکیٹ کیا, یہ ریپلیکیٹ باقی بنے ہوئے ہیں سارے, لیکن وہ اتنے فنکشنل نہیں تھے جتنے کہ بورڈ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, بورڈ آف کمشنر جتنا چاہتا ہے اتنے فنکشنل نہیں تھے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی فنکشنل ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے, مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے, اور آپ کے کیا گولز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ویژن, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن مستقبل کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل کس طرح بنا ہوا ہے آپ کا؟ بالکل, حوالے سے یہ کیا میں نے, ابھی جیسے اسپیشل ہیلتھ ہے جی, جیسے میں وہ پہلے ہم نے ایم ایس ڈی ایس سارے بنائے ہوئے تھے, لیکن اب ہم نے بنائے ہیں جیسے کہ کاسمیٹک کلینک ہے, جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے,
ان کے کوئی نہیں بنے ویسے نا ایم ایس سی, آج کل ہم وہ بنا رہے ہیں, وہ بھی ان قریب بن جائیں گے. اور سب سے زیادہ شکایت جو مجھے ملی ہیں وہ اس ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آئی ہے کہ جو لوگ بالکل اس قابل نہیں تھے, جو نہیں کر سکتے تھے کام, کویک وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اور جو سب سے بڑی شکایت ملی ہے وہ ہے منشیات کے, جو اڈے منشیات کے, آپ انسداد منشیات کے, ہاں ہاں جی منشیات کے, آپ اندازہ کریں, آپ سن کے خوف آ جاتا ہے. ہم نے ایک پکڑا ہے ایسا ادارہ جس میں ہارڈلی کوئی 8-10 مرلے کا, جس میں 300 سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے, اور بالکل جانوروں سے برا سلوک کیا جا رہا تھا. تو ان سب کو مانیٹر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. میں مس کر رہی ہوں آپ کو ایک بات, کہ جو ہم نے فردر فیوچر میں جو ہم کر رہے ہیں, ایک تو یہ کام, دوسرا کانسٹنٹ انسپیکشن. یہ نہیں ایک انسپیکشن ہو گیا اب ہم بھول گئے, نو, ان کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہوگی, ان کی مانیٹرنگ سب کی چلے گی, یہ وہ سارے اداروں کی, چاہے وہ سرکار کا ادارہ ہے چاہے وہ نجی ادارہ ہے, ادر وائز اسے کام. اور یہ ضروری بھی ہے, بہت ضروری ہے, ان کا راؤنڈ دا چلتے جائیں گے ہم کہ کیسے انسپیکشن کرتے ہوتا چلا جائے گا. اچھا, پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں, آپ عوام کو کوئی پیغام اس حوالے سے دینا چاہیں گی؟ میری اپنی پیاری عوام سے جو ہمارے دل میں بستی ہے, سچی بات ہے, ان کے لیے میں ضرور دیکھوں گی کہ خدا کے لیے ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ آئیں, ان خوفناک کویکروں کے بارے میں اطلاع کریں. دوسرا, جن اسپتالوں میں وہ جا رہے ہیں ان کو کہیں, جن کلینکوں میں وہ جا رہے ہیں ان کو کہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, انہوں نے اپنے آپ, اس سے بڑا فائدہ ان کا بھی ہوگا اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہوگا. یہ دیکھیں, ایکچولی ہیلتھ کیئر کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جس میں اٹانومس ادارہ ہے, جس میں ہمیں کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسا کوئی بھی پریشر نہیں آیا ابھی تک. میں رہی تھی دیر سے, میں بھی اس کی چیئر پرسن ہوں, کوئی ایسا ہمیں پریشر نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دیکھ کرو کسی کمپلین میں کسی ایم ایس ڈی کے حوالے سے. تو یہ ادارہ سب کا ہے, مریضوں کا بھی ہے, ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کا بھی ہے, کہ ان کے اسپتالوں کو جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہم نے بچانا ہے ان کو بھی, ان کی شکایت کا بھی ہم نے کرنا ہے. انیسیسریلی جو لوگ مریضوں کی شکایت بھی سننی ہے, مریضوں کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے. ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں, ہمارے جو ہومیوپیتھکس ہیں, ہمارے جو حکماں ہیں, ہمارے جو ڈینٹل سرجنز ہیں, ہماری جو کوالیفائڈ نرسز ہیں, یہ سب کا ادارہ ہے یہ ہیلتھ کیئر کمیشن. لیکن اس کا جو اختیار ہے وہ صرف پنجاب تک ہے, اسلام آباد میں اس کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود تھیں پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک صاحبہ, چیئرپرسن ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی, اور ان سے آج ہم نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے متعلق جو ہیں سوال کیے. اور ظاہر سی بات ہے, ایک نشست تو کسی بھی حوالے سے کافی نہیں ہوتی, اور اس حوالے سے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ایک اور بھی نشست جو ہے ان سے کریں, اور اس میں جو دوسری تنظیمیں ہیں, کچھ تنظیموں کو یقینی طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ چاہیں گی کہ اپنا موقف بھی دیں, تو ہم درخواست کریں گے کہ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک صاحبہ آئیں, اور پھر ہم اس حوالے سے بھی ایک پروگرام کریں. پروفیسر صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں بہت آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ بات کرنے کا, اور جیسے آپ نے فرمایا ہے ساری تنظیمیں جو ہماری ڈاکٹرز کی ہیں وہ سب کے ساتھ میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہیں وہ میرے ہم میں سے ہیں, میں بھی اسی میں ہوں, عوام بھی ہم ہیں, ڈاکٹر بھی ہم ہیں, سارا کچھ ہم خود ہی ہیں. بالکل, کیونکہ ہم سب کے لیے ہیں, تو وہ ہم ان کی جتنی ان کے مشورے پہلے بھی ایسے ہوئے, ان کے مشورے سے فردر بھی جو کہیں گے تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعاگو. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.